ऑनलाइन मिले हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भाई किसी भी, वो इंसान से अगर तुम कम बात करो तो वो इंटरेस्ट बना रहता है, वो इंसान तुम्हें ब्लॉक नहीं करता है। अगर तुम सारी चीज़ें सोच रहे हो भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मैच्योर बन जाऊँ तो क्या ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि मुझे ब्लॉक नहीं करेगा, तो इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ वही सारी बातें जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। चैनल पर नए हो भाई अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। अब बात करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम पे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि भाई तुम अपनी लाइफ में कितना भी अचीव कर लो, तुम अपने लाइफ में कितना भी मैच्योर बन जाओ, तुम अपने लाइफ में कितना भी कुछ अच्छा काम क्यों ना कर लो, जो बोलने वाले हैं, जो बकवास करने वाले हैं, जो बकैती काटने वाले हैं, वो तुम्हारी पीठ पीछे काटेंगे ही भाई, ठीक है। जो लोग खुद अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते वो सामने वाले को पता है क्या बोलते हैं, जब सामने वाला फक्र महसूस करता है ना अपने आप पे, तो उसको बोलते हैं कि तू अपने अंदर ईगो रखता है कि तूने अचीव कर लिया। मेरे भाई अगर अचीव करना है दुनिया में इतना आसान होता ना, सब उखाड़ के बैठे हुए होते, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी चीज़ की बात हो, अगर कोई इंसान कुछ अचीव करके बैठा है ना भाई, कोई चीज़ करके बैठा है ना, तो उसके पास वो गट्स हैं तभी वो चीज़ वो कर पाया भाई, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहा है, ठीक है। और जो रोने वाले होते हैं वो रोते रहते हैं मेरी ज़िंदगी की, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। रोने वाले सिर्फ रोते हैं मेरे भाई, और दुनिया में कोई ऐसा 30 मार खा नहीं जो तुम्हें कुछ जिंदगी कुछ बना देगा। बनोगे तुम अपने आप से, और वो तुम्हारे गट से पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितना गूता है मेहनत करने का, तुम्हारे कितनी हिम्मत है अपने आप को बदलने की। भाई हर कोई इंसान जीरो से पैदा होता है, वो अपने आप में डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर क्या नॉलेज है, तुम कितने डेडिकेटेड हो, वो पता चलता है तुम्हारे अचीवमेंट से, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं लोगों की। भाई लोग जो होते हैं वो अपने मतलब के हिसाब से तुम्हारे साथ रहते हैं। सिंपल सी चीज़ समझो, तुम्हारे दोस्त हो गए या तुम्हारा कोई भी हो गया भाई, सिंपल सा एक चीज़ समझना, तुम अपनी लाइफ में कितना अच्छे मैच्योर हो कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन उस इंसान को लगेगा कि उसको कुछ कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो उसका मतलब पूरा कर रहा है, तो वो इंसान तुम्हारी लाइफ से निकल लेगा, या वो तुम्हें ब्लॉक कर देगा, या वो तुम्हें लाइफ से चला जाएगा। सिंपल एक चीज़ अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो, क्योंकि तुम मैच्योर हो जाओगे तो लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं करेंगे, लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे, लोग तुमसे बात करेंगे या जो भी है भाई। ऐसा नहीं होता है, लोगों जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग जेलस महसूस करते हैं जो तुम्हें लगता है वो तुम्हारे अपने हैं, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा पार्टनर है, जो भी भाई। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो तुमसे अपने आप से घृणा करते हैं कि भाई तुम ऐसे हो कि ऐसे कैसे उखाड़ो, ऐसे कैसे फाड़ो भाई। तो अपनी ज़िंदगी में ना अपनी जो चीज़ है ना भाई, जो तुम हो उस चीज़ को शैंपेन जैसे इंजॉय करो भाई, अपने आप पे फक्र महसूस करो, ठीक है। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे अपने लोग हैं ना भाई, वो हमेशा तुम्हारे पे फक्र महसूस करेंगे भाई, ठीक है। तो लोगों पे डिपेंड मत रहो कि मैं अगर ऐसा हो जाऊंगा तो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। अपनी ज़िंदगी में जब तक तुम ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ घूमती रहेगी भाई। तो किसी तुम्हारी, मैंने तुम्हें हमेशा एक चीज़ कही है, यू आर अ किंग भाई, यू आर अ क्वीन ऑफ योर लाइफ। समझ आ रहा है? तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि कोई कौन मुझे ब्लॉक करेगा, कौन मुझे अनब्लॉक करेगा, कौन मुझे इग्नोर करेगा, मुझे इग्नोर करेगा। है कौन बे वो लोग तुम्हें इग्नोर करने वाले, है कौन वो लोग बे जो तुम्हें ब्लॉक करने वाले। एक बात बताना भाई, क्या तेरी जिंदगी में यही काम बचा है कि तू दूसरों पे डिपेंड रहेगा? भाई प्लीज मुझे वो मुझे ब्लॉक ना कर दे भाई, हटाओ दिमाग से भाई, ब्लॉक करना है कर देने दोनों पे, तुम्हारा क्या घाटा जा रहा है? अगर तुम्हारी जॉब सही चल रही है, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं ना भाई, सिंपल है ना। एट द एंड वो लोग तुम्हें अनब्लॉक कर दें, वो लोग तुम्हारे साथ रहें, ऑफिस जाओगे तो अकेले जाओगे ना भाई, जो ऑफिस के सारे काम धाम जो कर रहे हो वो खुद निपटा रहे हो ना भाई। जिंदगी में कुछ अचीव करो, कुछ करोगे तो अपने दम पे करोगे ना भाई, कोई तुम्हारे साथ थोड़ी खड़ा रहेगा। जिंदगी का सत्य यही है भाई, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्राउड महसूस कराएं कि पीछे लगो भाई, अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी में ये देखो कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम कहाँ जा रहे हो भाई। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी लाइफ में सही जगह चले जाओगे, तुम्हारे माँ बाप अपने आप खुश हो जाएंगे भाई, जो तुम्हारे एक्चुअल में अपने लोग हैं ना वो अपने आप तुमसे खुश रहेंगे। ऐसे मतलब दुनिया में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी कोशिश करो अपनी ज़िंदगी बेटर करने के लिए, लोगों को फ़र्क पड़ता है तुम्हारे अचीवमेंट से भाई, सिर्फ लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में ब्लॉक अनब्लॉक इग्नोरेंस से सबके चीज़ें हटाओ बे, वो सारी चीज़ें तुम्हारे आगे कुछ नहीं है बे। तुम अपनी ज़िंदगी में राजा हो, राजा जैसे ज़िंदगी जियो, फाड़ो ज़िंदगी में बे, समझे। चल।